हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में आपने देखा पिचोला लेक, सिटी पैलेस, सहेलियों की बाड़ी एंड सेलिब्रेशन मॉल। ये सारी चीजें देखकर आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड आज हम जाने वाले हैं कुंभलगढ़ फोर्ट, जो हमारा प्लान था कल जाने का, लेकिन वहां पर ट्रैफिक लगातार 4 किलोमीटर तक ट्रैफिक रहता है। सो हमने डिसाइड किया कि आज सुबह सुबह निकल जाएंगे और यहाँ से 110 किलोमीटर है यहाँ से उदयपुर से कुंभलगढ़ फोर्ट, तो वहां पर जाके मिलते हैं। और बीच में कुछ होगा तो मैं दिखाऊंगा, तब तक के लिए कीप अलाइव विद मी। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचे हैं एकलिंग जी मंदिर और कुंभलगढ़ के बीच में हमने ये तय किया कि यहाँ पे हम दर्शन करके जाते हैं। सो अभी एकलिंग जी महादेव है और उसके बाद यहाँ से हम जाने वाले हैं सीधा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जाने वाला जो रोड है उसके बीच में खड़े हैं और यहाँ से आई थिंक 5 से 10 किलोमीटर दूर है कुंभलगढ़। और यहाँ का जो सीन है वो बहुत ही बढ़िया है, जैसे आपने देखा अभी। सो अभी वहाँ पर पहुँचकर आपको मैं अपडेट करता हूँ, तब तक के लिए कीप अलाइव विथ मी। फाइनली वी हैव रीच्ड एट आवर डेस्टिनेशन कुंभलगढ़ फोर्ट। एंड थोड़ी देर में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुंभलगढ़ कैसा है और उसकी क्या क्या इतिहास है और क्या क्या हिस्ट्री है। कि राजस्थान की जर्नी की बहुत ही अच्छी प्लेस है और मैं तो कहूँगा सबसे अच्छी प्लेस है, और इसका नाम है कुंभलगढ़ फोर्ट। और यहाँ पर ये जो किला पूरा देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर करीबन 30 किलोमीटर तक ये किला है और आगे जाकर ये दीवार बन जाता है एक छोटी सी। एंड अभी आगे हिस्ट्री के बारे में मैं बताऊंगा। फैक्ट नंबर वन, कुंभलगढ़ फोर्ट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और राजस्थान का सेकंड ऐसा प्लेस है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में स्थान मिला है। फैक्ट नंबर टू इज दैट ये जो साइट है वो महाराणा प्रताप के दादाजी यानी कि राणा कुंभा, उन्होंने ही बनाया था। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी साइट पर हुआ था। अभी जो आपने जो ज्योत देखी वो आई थिंक 700 ईयर्स पुरानी है और 700 ईयर्स से वो ऐसे ही जल रही है, ना कोई ईंधन दिया है उन्होंने, ना कोई घी डाला है उसमें, बस ऐसे ही जल रही है वो। Wow.
जो मैंने कही थी वो जो बाउंड्री की जो बात करी थी, जो 30 किलोमीटर्स की दीवार की जो बात करी थी वो यही है। और ये दीवार पूरे 30 किलोमीटर्स तक पूरे किले के आजू बाजू में है। चित्तौड़गढ़ की बात, राजस्थान में कुंभलगढ़ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको एक फोर्ट देखने को मिलता है और एक हेरिटेज साइट देखने को मिलती है। गुरु शिखर के बाद अरवली हिल्स का ये सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पूरे कुंभलगढ़ फोर्ट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और इसके ऊपर कुछ नहीं है। अभी हम ऊपर ही ऊपर आ रहे थे थोड़ी देर। मुझे अगर इस उदयपुर ट्रिप का बहुत ही अच्छा जो कोई भी प्लेस लगा हो तो कुंभलगढ़ फोर्ट ही है। जो फ्लैट एरिया है सामने, ये पूरा मारवाड़ है। तो सामने जो सिटी दिखाई दे रहा ना, वो गढ़राव है। उसके आगे व्हाइट सिटी जो है वो पाली है, उसके आगे जोधपुर है। इसके बीच में पूरा अरावली श्रृंखला है जो गुजरात से शुरू होता है, दिल्ली तक जाता है। तो उस तरफ पूरा मारवाड़ इस में है। कुंभलगढ़ और मैं जुड़वा भाइयों की भांति मेवाड़ की रक्षा करें। मेरा सपना पूरा होने लगा। नया जन्म, लेकिन मैंने सुना है कि मुझे बनाते समय शुरुआत में एक अनोखी समस्या सामने आई। ज्ञान सिंह, ये दीवार फिर से गिर गई? जी मदन जी, पिछले 6 दिनों से यही हो रहा है। रात को कोई यहाँ आता भी नहीं, फिर भी कोई बता रहा था इस पर्वत पर एक देवी का प्रकोप है। तो गाइस, अभी मैं खड़ा हूँ लेजर शो के साथ और थोड़ी देर में लेजर शो स्टार्ट होगा। और इस लेजर शो के साथ ही मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। एंड आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे दोनों वीडियो, दोनों एपिसोड्स। तो प्लीज़ शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड लास्टली, बीइंग अलाइव विद 2K। क्या है यार ये सब, कुछ तो शर्म करो। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर ऐसे कुछ तो धर्म करो इंडिया वालों।